हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मेरे चैनल में वापस स्वागत है जहां हम स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात करते हैं। आज हम कम रक्तचाप के लिए आयुर्वेदिक उपचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। कम रक्तचाप, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जहां आपका रक्तचाप सामान्य सीमा से नीचे गिरता है। आयुर्वेद में कम रक्तचाप वात दोष में असंतुलन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको या किसी को पता है कि वह कम रक्तचाप के साथ संघर्ष कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं कम रक्तचाप के लिए आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष में असंतुलन के कारण कम रक्तचाप होता है। आयुर्वेद केवल लक्षणों के बजाय समस्या के मूल कारण के उपचार में विश्वास करता है। यहाँ कुछ आयुर्वेदिक उपचार है जो निम्न रक्तचाप के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। नमक का सेवन बढ़ाएं। कम रक्तचाप के लिए नमक एक बेहतरीन उपाय है। अपने भोजन में एक चुटकी नमक डालकर या फिर नमकीन पानी पीने से आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। अदरक चाय का सेवन करें। अदरक की चाय ब्लड प्रेशर कम करने का बेहतरीन उपाय है। अदरक रक्त संचार में सुधार करने में मदद करता है और कम रक्तचाप के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा एक अनुकूलनकारी जड़ी बूटी है जो वात दोष को संतुलित करने में मदद करती है। गर्म दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है। 4. प्राणायाम अभ्यास करें। प्राणायाम एक ऐसा व्यायाम है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है और तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से कम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तिल के तेल से मसाज करें। गर्म तिल के तेल से शरीर को मालिश करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और वात दोष को संतुलित करने में भी मदद मिलती है। निष्कर्ष: कम रक्तचाप प्रबंधन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद की मदद से आप इसे प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। आयुर्वेद केवल लक्षणों के बजाय समस्या के मूल कारण के उपचार में विश्वास करता है। नमक का सेवन बढ़ाने, अदरक की चाय पीने, अश्वगंधा का सेवन करने, प्राणायाम करने और तिल के तेल से मालिश करने से कम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यदि आप कम रक्तचाप से जूझ रहे हैं तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें ताकि आप इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। ये सब आज के वीडियो के लिए है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और एक अनुरोध है आप सभी से, जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, शायद उनकी मदद हो सके।